कुकिंग में आपका स्वागत है। आज कटहल का कीमा बनाते हैं। कीमा मतलब नॉनवेज नहीं है, कीमा की तरह कटहल को काटा जाता है, एकदम बिल्कुल एकदम कीमा की तरह। तो वो बाज़ार में कटा हुआ मिलता है और उसको अच्छी तरह धो के उससे बनाते हैं सब्जी। तो उसके लिए अच्छा तड़का पहले बनाना होता है। तो थोड़ा ज़्यादा तेल लेके उड़द का दाल, ड्राई रेड चिल्लीस और जीरा, राई, हींग, करी लीव्स ये सब डालते हैं। डाल के ग्रीन चिल्लीस भी डालते हैं। डाल के जैसे ही तड़का तैयार हो जाए तो वो जैक फ्रूट का कीमा को उसमें डाल के खूब चलाते हैं। पहले तो तेज आंच में चलाते हैं, उसके बाद आंच कम करके उसमें नमक, मिर्च, हल्दी वो सब डाल के कम आँच में काफ़ी देर तक चलाते हैं उसको। आधा घंटा, 45 मिनट्स हल्के आँच में बनाते हैं। आप जितना देर तक बनाएंगे आप उतना अच्छा बनता है और सूखा बनता है, सूखा पाउडर की तरह रहता है, गीला नहीं होना चाहिए। और बन जाने के बाद लास्ट में आप चख के देखिए, जब पक गया है तो उसमें एक चम्मच इमली का पेस्ट डालते हैं और फिर गैस को क्लोज़ कर दीजिए। लास्ट में उसमें राई का पेस्ट डालते हैं, कच्चा राई का थोड़ा पेस्ट जैसा बना के या फिर पाउडर बना के उसमें डाल देते हैं एक चम्मच, तो उसके खुशबू बहुत अच्छी आती है। और बहुत सारे कच्चे करी लीव्स उसमें डाल दीजिए और ग्रीन चिलीज भी ऊपर से डाल दीजिए, बहुत ही टेस्टी बनता है। और इसमें ऊपर से काफ़ी सारा नींबू का रस डालते हैं तो इतना मस्त बनता है।